हमारे साथ जो है वो धोखा हुआ है। हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म में थी और पता चला ट्रेन जो है वो दो नंबर में आ रही है। शिट यार। हम लोग निकल चुके हैं ओला लेकर के स्टेशन की ओर। ये देखिए रास्ता कितना सुनसान है। कभी यहाँ पे कितनी चहल पहल हुआ करती थी और अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखिए ये जो है व्हाइट कलर का बिल्डिंग, ये विद्युत भवन है। इतना सुंदर लग रहा था फेस टू फेस देखने से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये लग ही नहीं रहा था कि ये पटना में है। भाई पटना ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब देखिए अब जो ये व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं ये तारामंडल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। पर हम लोग जा नहीं पाए कोरोना महाराज जी की वजह से, पर नेक्स्ट टाइम में भी। ये देखिए स्टेशन के पास ही महावीर मंदिर है। यहाँ पे हम लोग कितना बार सोचा है हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पूजा करेंगे, यहाँ का प्रसादी तो ओहो लाजवाब, मुंह में पानी आ गया। पर कभी भी मौका ही नहीं मिलता है यहाँ जाने का। आज देखिए कितना सन्नाटा है यहाँ पर। बताओ तो इतना शांत पटना जंक्शन। ये देखिए ऊपर तक ऑसम मैन ऑसम रात ने वाव। ये सबसे मस्त तो ये झंडा लग रहा है, झंडा जो कि कटिहार में भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बुद्ध ये मतलब पटना जंक्शन ऐसा तो नहीं था, काफी चेंजेस आया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए आदमी सब लेटे हुए हैं आराम से, ना मच्छर का टेंशन ना किसी चीज़ का टेंशन। वही घर में सो तो कितना नौटंकी रहता है हमारा। अरे वाह वो छोटू सा पप्पी देखो, ये कहाँ जाएगा, क्या इसने टिकट लिया है? इसने तो मास्क भी नहीं पहना मैन। Say hi to my subscribers, man. मौसम ये देखो यहाँ पे छठ पूजा कर दिया है फोटो। सूर्य जी हैं उधर अर्घ देते हुए, छठ जो फास्टिंग करती है वो। यहाँ पर देखिए पटना में ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जब मैं इसके पहली बार आई थी तो भी मैंने नहीं देखा था, ना ही मेरे हस्बैंड ने देखा था। यहाँ पर जो भी पैसेंजर जाते हैं ये लोग पहले तो उनके लगेज को स्प्रे करते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद फुल बॉडी को सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद ही एंट्री मिलती है यहाँ से। और देखिए कितने अच्छे से सब कोई लाइन वाइज जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा था यहाँ पर सिस्टम सारा। देखिए यहाँ पे ये लोग चेक करते हैं कि जो भी पैसेंजर आ रहे हैं वो सही टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रेन की जब डिपार्चर होती है उससे ये लोग एक घंटा पहले बुलाते हैं पैसेंजर को। और हम लोग की ट्रेन थी 12:30 पर, हम लोग पहले पहुँच गए थे तो हम लोग को थोड़ा देर वेट करना पड़ा था। हेलो गाइस, आज जो है हम लोग जो है वो रिटर्न हो रहे हैं, कटिहार रिटर्न हो रहे हैं। हमारी ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट है तो हमें बोला गया है बैठने के लिए एक घंटा पहले, मतलब ट्रेन के एक घंटा पहले ये लोग एंट्री देते हैं, तो इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं बाहर में, पटना स्टेशन के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। पर एक सरप्राइज़ है, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई है। देखिए मेरे साथ कौन है। मैं आई तो थी अकेले लेकिन अब जाऊँगी साथ में लेकर के। इस बार काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है इस रूल को फॉलो किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की। कितने आदमी यहाँ पे सोए हुए हैं देखिए, आराम मुद्रा में है सब, कोई टेंशन नहीं है भाई। ये लगता है वो छोटे पप्पी ने कंप्लेन कर दिया, उसकी मम्मी आ गई यहाँ पे।
अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए अब उस पप्पी का, पप्पी के फादर भी आ गए, पूरा फैमिली आ रहा है, जितने मौसा मौसी फुआ फुफा सभी आएंगे। टाइम हो गया है 12, हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं है। ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं है एक्चुअली, में महानंदा जो कि महागंदी ट्रेन है वो काफ़ी लेट आती है, लेकिन आज इतनी लेट है नहीं ट्रेन। स्टेशन जो है वो पूरा खाली है, कभी यहाँ पे हलचल हुआ करती थी लेकिन आज यहाँ पूरी की पूरी स्टेशन जो है वो खाली है, खाली पड़ी हुई है। ये देखिए पूरी की पूरी स्टेशन खाली पड़ी हुई है। हमारी ट्रेन जो है वो सुबह का टाइम है 9:30 बजे पहुँचने का, लेकिन महानंदा जो कि टाइम से कुछ ज़्यादा ही आगे चलती है, आई एम जस्ट किडिंग, टाइम से कुछ ज़्यादा ही पीछे चलती है, वो 10:30 से 11 बजे ही देगी। देखते हैं जर्नी कैसी होती है, पल पल की अपडेट आपको इस ब्लॉग में मिलते रहेगी। हमारे साथ जय को धोखा हुआ है, हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, अब पता चला ट्रेन जय को 2 नंबर पे आ रही है। शिट यार, कैसा लगा ट्रॉली उठाने में? एक नंबर। महानंदा महानंदा ट्रेन आ चुकी है, बिल्कुल जैसा इसका काम है वैसे ही आ रही है धीरे धीरे। पता है 1 लाख बार बोल दी होगी अच्छे से। आओ आगे अरे आगे नहीं है, यही है आपका कौन सा है? ये देखिए यहाँ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड जी खुद जो है पहले तो उन्होंने सीट को सैनिटाइज़ किया, उसके बाद वो बेडशीट जो हम लोग अपने घर से लेके गए थे वो उन्होंने बिछा दिया। हमारे साथ एक और ट्रेजेडी क्या हुई इस जर्नी में कि मेरा मेरे हस्बैंड जी का जो रिजर्वेशन था वो अलग अलग कंपार्टमेंट में हुआ, जैसे कि मेरा B1 में हुआ तो उनका B3 में हुआ, और मेरी जो सीट थी वो लोअर बर्थ में थी, तो बाय गॉड मेरी गर्दन जो थी वो अटक गई। अब हम लोग कुछ ही देर में कटिहार स्टेशन पहुंचने वाले हैं, और ये ब्लॉग आपको कल मिल जाएगा। आज क्यों नहीं? अरे भाई थम गए, आज कैसे मिलेगा, आज एडिटिंग होगा तो कल मिलेगा। चलिए कल देखेंगे, बाकी की अपडेट आपको ट्रेन से उतरने के बाद मिल जाएगी। फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो कटिहार पहुंच चुकी है। अब देखते हैं हमें जो है वो रिसीव करने के लिए कौन आया है। वैसे हमें पता है पर हमारे व्यूअर को भी पता होना चाहिए। वो देखिए वाइट कार में कोई है, शायद ये आए हैं हमें रिसीव करने के लिए। अभी तक जो हमारे चैनल का नाम था वो नेहा भारतीज ब्लॉग, मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है इस नाम को चेंज करके हम दोनों का जो नाम है नेहा एंड सनी वो दोनों को मिला करके हम लोग न्यू नाम से ये चैनल को बदले। जैसे कि अभी जो है वो नेहा भारतीज ब्लॉग है, अब ये हम दोनों का नाम मिला के ये हो जाएगा सुनेहाज ब्लॉग। तो आज से ये चैनल का नाम हो जाएगा सुनेहाज ब्लॉग, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इस ब्लॉग को मैं यही पेंट कर रही हूँ, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय मैन।